मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े पर्दे पे यदि शिक्षा के स्तर की फिल्में आएंगी, जो अनमोल जी बना रहे हैं वो आएंगी, तो निश्चित रूप से समाज को नई धारा, नई विचारधारा मिलेगी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो मैंने अभी एक लाइन बोली, भयविन हो न प्रीत। यदि ये चीज अपन खारिज कर देते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं कि भय किसी तरह का होना ही नहीं चाहिए, तो इसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो शैक्षणिक गुणवत्ता है, जो क्वालिटी आनी चाहिए, वो कुछ प्रतिशत को छोड़ के जो बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं, वो बच्चों को तैयार कर लेते हैं, बाकी बच्चे जो एजुकेशनल क्वालिटी में पिछड़ जाते हैं। इसका डिमेरिट सबसे बड़ा यही है। और मैं समझता हूँ यदि इसका, मैंने कहा ना, तारतम्य कहीं नहीं हुआ, बैलेंसिंग नहीं हुआ, ये सर्वथा गलत है कि हम बच्चे को पनिशमेंट से पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, ये मान लेना चाहिए। पनिशमेंट से कहीं भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। आज के 5 साल पहले मैंने भी पनिशमेंट का सारा लिया, सब लिया, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ दिए, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहा है, बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो बहुत सेंसिटिव हो गया, बच्चा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और पेरेंट्स ये सोचता है जैसा कर रहा है वो उचित है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किनकी है? जिम्मेदारी तो संस्था की है ना, पेरेंट्स की है ना। दोनों मिलके यदि कंधे से कंधे मिला के काम करें तो मैं समझता हूँ बच्चों को पनिशमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। और बच्चा जनरल जो काउंसलिंग है, जो ग्रहण करने की जो व्यवस्था है बच्चे की, वो समुचित चलती रहेगी और बच्चा उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि पनिशमेंट देना आवश्यक है, लेकिन बच्चे के अंदर भय भी होना चाहिए, इस तरह का कोई तारतम्य पैदा होना चाहिए। सरकार को कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि आप किस तरह से इसको मैनेज करें, क्या है। हालांकि वर्तमान शिक्षा जो पद्धति है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे को जो है वो विजुअलाइजेशन से सिखाने की व्यवस्था कुछ ज़्यादा की गई है, तो जैसे डिस्प्ले के माध्यम से अपन प्रैक्टिकली करते हैं तो वो बच्चा जल्दी सीखता है, और सीखना भी चाहिए। कोई चीज़ अपने जो टेलीविजन में दिखाई जा रही है वो अपने को लंबे समय तक याद रहती है, और जो ओरली कही जाती है वो याद नहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ यदि अपन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है, लंबे समय तक उसके दिमाग में रहती है। और पनिशमेंट तो कोई, देखो, वह सामाजिक स्तर पर भी ठीक नहीं है, व्यवहारिक स्तर पर भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये क्या है कि एक तरह से तात्कालीन सरकार का ये गलत निर्णय हम कह सकते हैं। डायरेक्टली कोई निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि हर चीज के दो पक्ष होते हैं। ये चीज निर्विवाद है कि बच्चा हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से बच्चा हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी चाहिए। बच्चा मानसिक रूप से हरेस हो गया तो क्या पढ़ेगा, स्वाभाविक है। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि आप बच्चे के दिमाग में ये डाल दोगे, आप स्कूल जाओ तो जाओ, मत जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो तो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आप पास होते रहोगे। तो ये एक तरह से देश की जड़ें कमजोर करने वाली है। किसी देश में यदि एजुकेशन सिस्टम कमजोर हो गया तो ये समझिए समाज कमजोर हो गया, वो नगर कमजोर हो गया, वो राज्य कमजोर हो गया, वो देश कमजोर हो गया। अब जाके 2009 के जो नियम थे, अब जाके इनको समझ में आ रही है, तो इन्होंने 2018 में भी 5वीं में बोर्ड लागू कर दिया, 8वीं में बोर्ड लागू कर दिया, ये सब उसी के परिणाम है। और उस परिणाम को इन्होंने देखा कहीं ना कहीं किसी स्तर पर, तो इनको महसूस हुआ कि ये अपने से गलती हो गई। पर मैं समझता हूँ कि यदि सही पॉलिसीज बनाई जाएं, एजुकेशन के क्षेत्र में यदि सही पॉलिसीज बनाई जाएं, सक्षम है, IAS लेवल के ऑफिसर्स बैठे हैं, पॉलिसी बनाने में सक्षम है, गवर्नमेंट जिसकी होती है लागू करने में सक्षम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने में भी चूक हो जाती है और लागू करने में भी चूक हो जाती है। पर मैं ये मानता हूँ कि यदि समन्वय रखें, देखिए स्टूडेंट वीणा के तार की तरह है, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट वीणा के तार की तरह है, जो यदि वीणा के तार को अपन ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो टूट जाएगा। तो अपन एक स्टूडेंट को वीणा का तार मान सकते हैं, और यदि उसको ज्यादा ढीला छोड़ दिया तो उसमें स्वर नहीं निकलेंगे, क्योंकि कितनी बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स को क्या है कि पाथ जो है
उस पाथ के ट्रैक पे चलना होता है। यदि उसको ढीला दे दिया तो उसमें कुसंस्कार या बैड कंपनी, बुरी संगतें पैदा हो जाएंगी या व्यसन पैदा हो जाएंगे, और यदि उसको ज्यादा टाइट कर दिया तो वो समाज से दूर होता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा रास्ता, वीणा के तार की तरह एक ऐसा रास्ता होना चाहिए सही सही, जो बच्चों को सही गाइडलाइन कर सके, सही उनमें संस्कार पैदा कर सके और उनको भले बुरे का ज्ञान करवा के और उनके उनके जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं वो अचीव कर सके। तो मैं समझता हूँ इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए एजुकेशन में, तो ये निश्चित रूप से खुशहाली लाने योग्य होगा कदम। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि शिक्षा जो है पैसों से खरीदी जा सकती है। बहुत सारे अपने पास में ऐसे दृष्टांत हैं जो गरीब परिवारों के बच्चे भी जो है कलेक्टर बने हैं। एक बार मैंने समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा, एक रिक्शे वाले का बच्चा कलेक्टर बन गया। तो मैं समझता हूँ यदि ऐसा होता कि पैसे से वो कलेक्टर बनता तो जीवन में कभी भी वो कलेक्टर नहीं बन पाता। तो इस चीज़ का तो कोई तालमेल नहीं है या किसी तरह कोई संबंध नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो जो है शिक्षा खरीद सकेगा या वो कुछ बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शिक्षा तो शिक्षक और शिक्षण स्टूडेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में एक तरह का आत्मीय संबंध है, और जब तक बच्चा उस आत्मीय संबंध को नहीं जिएगा तब तक अच्छा विकास नहीं कर पाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो। शिक्षा में गरीबी अमीरी कोई मापदंड नहीं है, जात पात धर्म गरीबी अमीरी ये मापदंड है ही नहीं। इसीलिए शिक्षा के जो मंदिर हैं इनमें यूनिफॉर्म का उद्देश्य एक ही होता है। एक बच्चे की हैसियत 1,00,000 रुपए का पैंट शर्ट पहनने की होती है और एक बच्चा 100 रुपए का भी कपड़ा पहनता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कि कैंपस में सारे बच्चे एक समान लगे और उनके अंदर से वो टेरर वो फियर खत्म हो जाए कि मैं कोई गरीब नहीं और मैं कोई अमीर नहीं, इसलिए ये जो व्यवस्था है एक रूपता की समरूपता की ये लगी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यदि पैसे से सब कुछ होता, शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे क्षेत्र हैं, पैसों से स्वास्थ्य नहीं खरीदा सकता, सिर्फ दवाएं आ सकती हैं, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में किताबें ला सकती हो आप, ज्ञान नहीं आ सकता। तो मैं समझता हूँ यदि आपको पढ़ाई प्रॉपर करनी है तो आपको अपने टीचर्स में फेथ करना पड़ेगा। आपको सुसंस्कारित रहते हुए, अनुशासित रहते हुए यदि कदम से कदम मिला के चलेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी जो योग्यता है वो दिन प्रतिदिन चहुंमुखी और अग्रसर होती रहेगी और आप जो है अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन साइंस का यदि सही तरीके से उपयोग हुआ तो एक तरह से सक्सेस की या विकास की या खुशहाली की लहर बनती है। लेकिन यदि साइंस में किसी भी डेवलपमेंट का या किसी भी खोज का या किसी भी तरह का आविष्कार हुआ है उसका यदि मिसयूज होता है तो वो विनाश की ओर अग्रसर होता है। अभी अपन सोशल मीडिया को अभी देखें तो ताज़ा घटनाओं से ये सीख मिलती है कि अभी भारत बंद के दौरान जो दंगे और हुड़दंग हुए उसमें सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ था, जबकि किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ठीक इसके विपरीत 10 अप्रैल को जो बंद हुआ वो भी सोशल मीडिया का ही एक तरह से परिणाम है। तो मैं इसे समझता हूँ कि सूचनाओं का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया में वर्तमान में कुछ बच्चे इंटरनेट के माध्यम से जो अश्लील चित्र हैं उनको डाउनलोड करके और एक दूसरे को उसको सेंड करते रहते हैं। इस तरह से बहुत सारा समय जो बच्चे हैं अपने कैरियर बिल्टअप में वेस्ट कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ यदि इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सदुपयोग किया जाए तो मैं समझता हूँ मीडिया, जो सोशल मीडिया है अपना, वो बहुत सशक्त माध्यम बन सकता है। लेकिन ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर जो समाज की तीन तरह से बटा हुआ है, पहली चीज पेरेंट्स 1/3 रोल निभाते हैं, दूसरी चीज खुद स्वयं बच्चा 1/3, और 1/3 रोल जो है वो शिक्षण संस्थाएं निभाती हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट यदि एक जगह होते हैं तो मैं समझता हूँ सारे जो विकास की जो धाराएं हैं, सारे जो बच्चों के एजुकेशनल है या शारीरिक है या मानसिक जो विकास है या
कुछ एक लाइन में अपन इसको बोलना चाहें तो सर्वांगीण विकास को जो बोलते हैं, वो निश्चित रूप से सफलता की ओर या विकास की ओर या उन्मुक्तता की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें एक भी छोर यदि कमजोर पड़ता है, जैसे मान लो अभिभावक ने अपने बच्चों को प्रॉपर संस्कार नहीं दिए, प्रॉपर परवरिश नहीं की, खान पान सही नहीं है, हेल्थ उनका वो चेकअप नहीं करवा रहे हैं, उनका जो है ध्यान नहीं रखे हैं, उसकी बैड कंपनी पे वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अभिभावकों का छोर कमजोर हो गया, तो जो प्रोग्रेस या जो रिजल्ट आने चाहिए वो 1/3 कम हो गए। और यदि मान लो स्कूल ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो निश्चित रूप से ही मान के चलो 1/3 काम वहां भी कम हो गया इस तरह से। और यदि मान लो स्कूल और अभिभावक दोनों मिलके अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अभिभावक अच्छी परवरिश दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, टाइम से बच्चे के ध्यान रख रहे हैं, स्कूल अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का यदि मानसिक रूप से वो संतुष्ट नहीं है या उसका फील्ड यदि उसके अनुकूल नहीं है तो मैं समझता हूँ बच्चा प्रॉपर मेहनत नहीं कर पाता या कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता टीचर्स के साथ में, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो मेरा मानना यह है कि यदि अपने को समाज को सही दिशा देनी है, समाज में अपने को अच्छे नागरिक तैयार करके भेजने हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट, संस्था, बच्चे और अभिभावक मिलके यदि काम करें तो मैं समझता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आप देश को अच्छे नागरिक नहीं दे पाए, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं दे पाए। देखिए एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली चीज तो है कि अपने एक रामायण में एक लाइन मैंने पढ़ी है कि भय बिन होए न प्रीत। यदि आप किसी को, आपको किसी का भय नहीं होगा तो आप उसे प्रीत नहीं कर सकते, यानी आप उसमें समाहित नहीं हो सकते। तो एजुकेशन में भी हम इस तरह कोई बना के चलें कि बच्चा हमेशा कम से कम इस चीज़ से तो भय खाए कि हाँ मेरे को ये हाई स्कूल टाइम से आना है, मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, मुझे ये चीज़ लर्न करनी है, मुझे एग्जाम देनी है, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं तो इस तरह का तोड़ होना चाहिए। दूसरी एक बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ में प्राइवेट स्कूल्स में, कुछ बड़े स्कूलों को छोड़ दें, कुछ बड़े स्कूल को छोड़ दें तो 10-5% हैं, लेकिन अभी आपने बात की कि 80% जो हैं बच्चे वो मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, और मैं समझता हूँ देश की 80% जो स्कूलें हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही बनी हुई हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ प्रतिशत लोग जो हैं स्कूल को फीस देने में बहुत परेशान करते हैं, तो इसका सरकार को समुचित इस तरह से गौर करना चाहिए कि जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं और उनके लिए कोई सुदृढ़ गाइडलाइन होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में ही फिल्म बनाते हैं, दैट इज द ग्रीट, क्योंकि समाज को बदलने की जो ताकत है, समाज में जो कुछ जड़ें जो सींचने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही है। मैंने कहा कि विजुअलाइजेशन का जो इफेक्ट मानसिक स्तर पर पड़ता है, दिमाग में जो पड़ता है वो शिक्षा के माध्यम से ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े पर्दे पे यदि शिक्षा के स्तर की फिल्में आएंगी, जो अनमोल जी बना रहे हैं वो आएंगी, तो निश्चित रूप से समाज को नई धारा, नई विचारधारा मिलेगी। तो हम समाज में यदि बच्चों को मुख्य धारा में लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ देश का जो विकास है वो सही दिशा में जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एजुकेशनल फिल्म बनती है और जो समाज को सही दिशा की ओर अग्रसर करती है, तो मैं क्या पूरा समाज, पूरा देश उसको सपोर्ट करना चाहिए, और निश्चित रूप से मैं और मेरा परिवार, बच्चे सब इस चीज़ के लिए, यदि वो वास्तव में शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ है और समाज को बहुत कुछ दे सकती है तो आगे होकर हम उस चीज़ का स्वागत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 31 अगस्त 2018 को रिलीज होने जा रही है अनमोल भैया। मैं समझता हूँ समाज में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जितने भी अभिभावक हैं, उनको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, उससे वो सीखेंगे, नवाचार देखेंगे, चुनौतियाँ का क्या क्या है एजुकेशन में उनको देखेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ हमारे समाज को इस फिल्म से मिलने वाला है, सबसे उम्मीद करता हूँ। इसके साथ ही मैं सबको बधाई देता हूँ, अनमोल भैया को बधाई देता हूँ कि आने वाले टाइम में जब 31 अगस्त 2018 को फिल्म रिलीज हो तो ये नए मुकाम छुएं।